अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तारीख सां गुफ्तगू तां जो मेज़बान गुलाम नबी मोराई। नाज़रीन, हिन प्रोग्राम में असां कोशिश कंदासीं त तारीख़ जा उहे वर्क उथलाए तव्हांखे हक़ीक़तुनि खां आगाह कयूं, जिन मां 1977 वटि अॼु ताईं पाकिस्तान गुज़रियो आहे। मुख़्तलिफ़ तारीख़ साज़ शख़्सियतुनि खे असां प्रोग्राम त जीअं उन्हनि जा पंहिंजा तजुर्बा ख़्याल तव्हां ताईं पहुचायूं। अॼु असांजो महिमान हिकिड़ी तारीख़ साज़ शख़्सियत आहे, उनजो आहे मीर बलक्शन मज़ारी साहिबु। पाण वज़ीर आज़म पाकिस्तान बि रहिया आहिनि ऐं पाण मज़ारी कबीले सरदार बि आहिनि। अस्सलामु अलैकुम मीर साहिबु। मीर साहिबु, हम आपको ख़ुश आमदीद कहते हैं, और ये हमारा प्रोग्राम उर्दू में भी होगा तो सराइकी में भी होगा, ॾुही ज़बान विच करे सघूं। त हुन ॻाल्हि इहा आहे साईं त शुरू के मेरी ज़बान मादरी बलू न त न सरेकी न उर्दू है। ओके, हाँ ठीक है। सरेकी इज़ नॉट माय मदर टंग, बट वी विल ट्राई टू, कोशिश करेंगे प्रोग्राम ठीक थी वञे। आहे के जॾहिं पाकिस्तान ठहियो न 1947 उमिरि जी, तुसां कहिड़ी एज ग्रुप हुन ॾियारे वच स्कूल छोड़िया ईस्टन कॉलेज जी मेरे उन ॾियारे तक़रीबन 46 इहे बि असांखे ख़बर पई तुसां सी एस पी ते नॉमिनेशन नॉमिनेट कया गया आहे के पंजाब सिंध ते बलोचिस्तान ते हद विच बैठे अॼुकल्ह जहिड़ा आहे गुड बिराज जहिड़ा कंहिं मैदारी एरिया दे विच असां पता नहीं क्यों इन डेरा गाज़ी खान डिस्ट्रिक्ट हूंदा असां अंग्रेज़ इवें तक़सीम करे ॾिता ताकि कुझु असां जा हिसा सिंध विच कुझु हिंदा पंजाब विच जहिड़ा इस्माइल खान दिवीन नाले लाया हुया ने। बहरहाल उनदे बाद उन किता के तो सारी डिस्ट्रीब्यूट कर छोड़ी ताकि ए एकड़ी जगह ते कंसंट्रेशन न करन मुमकिन है जगह। बहरहाल उनदे बाद इस ना इंदे डेर गाजी खान पंजाब नाल पिछे सा पंजाब नाल रह गए ते असर इंदे ना के जे वालिद साहब चाचा साहब ओ इंदा ना के साथ क्या नाल क्या नाम मीर दोस्त मोहम्मद खान। मीर दोस्त मोहम्मद खान ते ओ फौत ही गया लेकिन उन्हें दी कोई नहीं कोई ना ने ते इंसान के जरिए पीछे सारे वाले थे उन्हें दे भरा हम छोटे असा इंदा भरा मायसेल्फ असिरा भरा ओ बेचारा फौत ही गया टीजे बादशाह बादशाह असें कोई असां क्योंकि असां जी कोई क्या कोई ना असां जा रिलेटिव नज़दीकी कोई ना हीअं असांजी गवर्नमेंट असां कोई कोटा वार्ड विच करे ॾिता ते कोटा वार्ड सारे वालदेन जा जॾहिं इंतकाल जी असां मां कोटा वार्ड जो कीता हाणे अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर उहो असां जे गार्डियन हूंदे आहिनि ਉਹ ਸੇ ਲੋਕ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਰੱਖੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਣ ਸੈਕਸ਼ਨ 30 ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੜਬੜ ਨਾ ਕਵੇ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਕਿਆ ਕੀਤੇ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਰਫਸ ਅਸਾਂ ਕੋ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਪੱਠਿਆ ਨੇ ਕੁਇਨ ਮੇਰੀਜ਼ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉੱਥਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਐਚਸਨ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਐਚਸਨ ਕਾਲਜ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਐਚਸਨ ਕਾਲਜ 46 ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿੱਥਾਂ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਆ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਸੀ ਗਏ ਉਹ ਇਤਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਪੱਠੇ
की कोई शे हो थी वेंदे वो कैंसिल थी वेंदा अल्टीमेटली मेरे को पांच छह महीने वास्ते एग्रीकल्चर ट्रेनिंग वास्ते एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ना होने कॉलेज होंगी उतना ही फैसलाबाद लालपुर होंगे उतना ही पटे हैं उनके बाद वो तो सीएसपी दी ट्रेनिंग दे वास्ते ना से एग्रीकल्चर मैं कोटा वार्ड था मैं घर बैठा मेरे को तो बाहर मैं पता नहीं क्यों नहीं पटे अंग्रेज भी ख्याल उस जमाने च करें दा के इना को ट्रेनिंग एग्रीकल्चर दी ट्रेनिंग दे आर एग्रो बेस्ड पीपल इना दी पेश रात है इना को ट्रेनिंग पर हाल उन दे बाद पिछे वो भी मैं कर आया पिछे एक जमाने वे अंग्रेज दा वो नॉमिनेट देंदा सीएस विच कई इन दिन इन दिन ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆਈ ਉਹਦੇ ਅਕਬਰ ਬੁਕਟੀ ਕੋ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਚ ਐਚ ਆਫ ਚਿਤਰਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਾ ਕਿਹਾ ਬੁਕਟੀ ਨਾ ਬਕਰ ਬੁਕਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸਾਂ ਘਣੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸਨ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਇਟਸ बस अस पिछे सी एस पी एक साल होंगे बाद इन्हें वनना हों पिछ मैं इन रिजाइन करके अपने इन हालात इवें थी गए बाकी वो आखते हैं किसी के काम शाम पॉलिटिक्स वगैरह तो असा रोल तो देखो अस भी छोटा मैं भी समझ मार दोस्त ਦਾਰ ਆ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਂ ਕੇ ਨੇਬਰਸ ਅਸੇ ਅਸੇ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਡੇ ਥਿੰਦੇ ਪੈਨ ਜੋ ਅਮਾਰੀ ਬੁੱਟੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਅਸੇ ਨਾ ਅਸੇ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 60-70 ਮੀਲ ਦਾ ਕਿਆ ਹੈ ਆ ਫਸਲਾ ਬਾਰਡਰ ਅੱਛਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਟੀ ਐਸ ਯੂ ਗਰੋ ਫਲਾਈ ਬੋਟ ਫਾਈਲਸ ਅਵੇਲੇ ਵਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਜੋ ਤੇ जिगे होंगे आपस मजारी बुक्ति कश्मोर हर फैसले थे कोई आपस में झगड़ा थी वने कबीले दा तो जिरगे ने वो फैसले कर छोड़े फैसले कर दे ही तरीके नाल से दे जेरे भी दिलराजी खान विच जिरगा हुंदा चीफ जिरगा हुंदा उन असान सरदार असे 8 के 9 सरदार असे वो चीफ जिरगा हुंदा जिरगे दा बड़ा गलत तसव्वुर है का जिरगा के जिरगा पहले मैं के जिरगा जेरा के तुसेरा ऑर्डिनरी सिस्टम में फर्क क्या है जेरा आम लॉ है इतना आख दियो के क्राइम जेरा है कमिटेड अगेंस्ट द सोसाइटी ठीक असेरा फर्क है ऐसा आख ना जिरगा सिस्टम में चे है सेरा जेरा कस्टमरी लॉ समझा वो क्राइम इज कमिटेड अगेंस्ट द पर्सन उन मैं चुहे में समझाल चा देना कि फर्ज करो गरीब आदमी है उनके दांदा जोड़ा चोरी थी वेंदे चोरी थी वेंदे खैर ओ वन कने को हलाल कर छोड़ेंदे या उनको वेच जेनो वो पकड़ पसे असा जिरगा ए आसे कि भी तुसा इन दा नाम के ए जो घेओ फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू पैक जोड़ा के उंदा क्या है या जोड़े दा उनके अलावा जो गरीब को नुकसान थे वो बंद असरे पास वगैरह आमदन बारिशा होंगे ना थे तो मखलूकात बंधा देख रहे हैं आबादी कर रहे वो भी
ਜੋੜੇ ਦਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਆ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਤੇ ਜੋੜਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ ਪਰ ਜਿੰਗਾ ਅਸੇ ਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਥੀ ਵਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਿਵ ਯੂ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਦੋਂ ਥੀ ਵਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਥੀ ਥਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਪਰ ਮੁਕੱਦਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਹ ਵੀਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਬਾਂਧਦੇ ਹਨ ਉਹ ਥਾਈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਆ ਇਹ ਪਾਸੇ ਦੇ ਮਖਲੂਕਾਤ ਆ ਕਿਆ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਲੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹਨ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਉਹ ਅੱਛਾ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਿਲ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਮਨਰੋ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਨੇ ਨੌ ਹਨ ਮੁਕੱਦਮ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਚੀਫ ਡੈਟ ਵਾਸ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਕਿ ਚੀਫ ਚੀਫ ਕਰਦਾ ਸੀ ਛੇ ਸਾਲ ਕਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਡ ਰੈਮ ਹੈਡ ਰੈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਨੈਨ ਬਾਕੀ ਹਰ ਸਰਦਾਰੀ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਟ ਬੰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਵੇਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਡੀ ਸੀ ਕੋ ਡੇਟ ਛੁੜਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਰਗੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆ ਵੇਂਦਾ ਉਹ ਪਾਸੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਜੋ ਕੰਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚ ਕਿ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਠੀਕ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਮੈਰਸ ਕਾ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬ 6 ਸਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਡੇਰ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਸਹੀ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਰੰਟੀਅਰ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਨ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਮੁਲਤਾਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੋਰ ਲੱਗਦਾ ਕਸ਼ਮੋਰ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸਾਰਾ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਸਾਰਾ ਉਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਵੈਸਟ ਦੇ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਆ ਨਾ ਤੇ ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਇਲ ਦਾ ਸਾਊਥ ਦੇ ਸਿੰਧ ਆ ਸਾਊਥ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਮੋਰਲੈਸ ਕਿਆ ਹਾ ਇਹ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਠੀਕ ਤਾਂ ਅਸਲ ਇੱਕ ਪੂਰ ਕਿਆ ਗਰੀਬ ਗਰੀਬ ਕਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੀਮ ਗਿਣ ਵੇਂਦੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਆ ਸਕੈਟਰਡ ਇਨ ਕੋਈ ਚੱਕ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਲੇਜਸ ਹੋ ਸਕਣ ਕੋਈ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਉੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇੱਕ ਸਕੈਟਰਡ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਵੀ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮੇਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਉੱਥਾਂ ਅਸੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਬਾਰੇ ਚੁੱਤੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਡੂਡੂ ਟਰੈਟਰ ਚਾਚਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੰਦਨ ਉੱਥਾਂ ਆਦਮੀ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਇੰਦ ਨਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਜ਼ਰਾਤ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਂਦੇ ਹਨ ਸਭ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਇਵੇਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਿਣ ਵੇਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਫਰ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਰਿਜੈਕਟ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਵੇਂਦਾ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅੱਛਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬਤਾਏ ਅਤੇ ਆਪ ਬਤਾਏ ਸਕੂਲ ਮੇਂ ਕਿਤਨੇ ਬਲੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੈਟਰਡ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮੀਲ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਮੀਲ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰ ਮੀਲ ਹੁੰਦਾ ਅਸਾਂ ਇਹਦਾ ਆਖਦੇ ਪੰਜਾਹ ਸੱਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌ ਲੜਕੇ 50-60 ਮਾਨਲੀਏ ਤਿਆਰ ਹੈ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਹਮੇ ਆਪ ਬਤਾਏ ਕਿ ਹਮ ਆਪਕੋ 25,000 ਰੁਪਏ ਜੋ ਦੇਂ ਔਰ ਸਕੂਲ ਯਹਾਂ ਬਣਾ ਦੇਂ ਔਰ ਵਹਾਂ ਆਪਕੇ 50
100 आदमी भी आ जाए हम के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर यही 25,000 हम सेंट्रल पंजाब किसी चक में बना दें, वहां कम 2-3 लड़के आएंगे पढ़ने के लिए, अब आपको ये दें या इनके देखो भी सच कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी। अच्छा, इसी तरीके से हम कहते थे जनाब हमें आप हॉस्पिटल दे दें, उस आगे आर्गुमेंट सही यही आर्गुमेंट आता कि जी ठीक है हम हॉस्पिटल देंगे, हम जनाब 2 मील से 4 मील से 8 जाते हैं, ये है कोई इतनी अब वहां का नाम क्या, हम जनाब घोड़े जाते थे और सफर करते थे, स्कूल जाने के घोड़ों पर जाते थे, दरिया पार करते थे, रेल जाकर कभी रहीम यार खान से लेते थे, और तो ये होता था। और कई इलाके जो मैं हमारे रिवेरियन एरिया में डैम्स तो नहीं बने हुए थे, 10-12 मील का फ्लड हो जाते थे, पानी पानी होता था, तो वहां स्कूल एक जमाने में जब ये नहीं थे डैम्स नहीं थे, अपना तरबेला डैम नहीं थी, मंगला डैम नहीं थी, ये सब बाद बने फ्लड्स यूज्ड टू बी एवरीवेयर ड्यूरिंग रेनी सीजन। बिल्कुल कम से कम 12-12 मील का क्या होता फ्लड होता क्या होता गुरु दे उत्ते होता सारा होता। बहरहाल एक दफा मेरे को चंगी तरह याद है, मैं इधर ना क्या है फ्रॉम जामपुर टू दाजिल, दाजिल बड़ा एक पुराना शहर है, ये एक जमाने में सड़क होती है इतना जामपुर जामपुर के नजदीक हूँ लगा वा हड़ंद जो सिखें वक्त किले शिले अज भी बने हड़ंद उलोचिस्तान दिस यूज टू बी ये चोटी वगैरह ये फोर्ट मनरो वगैरह अंग्रेजें आन के बड़ा पहले एक सड़क होंगी है। नाजरीन वो ब्रेक है मिलूँ था ब्रेक खा पो वेलकम बैक ना मीर साहब। अच्छा फोर्ट मनरो का बैकग्राउंड क्या है, वाकई उधर वहाँ ठंड काफी और कहते हैं कि पाकिस्तान का कैपिटल वहाँ बनना था? नहीं नहीं मैं उसका बताता हूँ, फोर्ट मनरो से पहले गुरचानी एरिया में एक जगह है उसका नाम है माड़ी, वो फोर्ट मनरो से भी 4-5 ऊंचा है, ये मेन सड़क के ऊपर था, लेकिन फिर गालबन क्योंकि डीजी खां में डिप्टी कमिश्नर पीए वगैरह बैठते थे वहाँ से, फिर उन्होंने और उस वक्त थोड़ा थोड़ा इन्होंने शुरू की हुई थी सड़क के यहाँ से चोटी से ये डेर गाजी खां से सखी सरवर और फोर्ट मनरो ये रखनी की तरफ इस तरफ चले जाए, तो फिर इन्होंने लियारियों ने भी ये सब कोशिश की जी वहाँ ना बने फोर्ट मनरो हेडक्वार्टर बन जाए। अच्छा, इस एरिया में जो जो ट्राइबल हैं लगारी भी हैं गोरचानी भी हैं, ऊपर से मैं शुरू करता हूँ। हाँ। जो कि डेर स्माइल सांग है वो आ जाते कैसरानी कैसरानी के साथ नीचे आ जाते हैं खेतरान, उनके साथ कैसरानियों के साथ फिर आ जाते हैं आपके बुजदारों के साथ आ जाते हैं खोसा, खोसों के साथ आ जाते हैं अच्छा लुंड कबीला एक डान है वो है सोरी। अच्छा लेकिन है बहुत जब भी कुछ आपके लेगारी आ जाते हैं, लेगारियों के साथ फिर गुरचानी आ जाते हैं, फिर टिब्बी लुंड ये भी छोटी ऐसी वो भी आ जाते हैं, उसके नीचे फिर इसका नाम दिशिक आ जाते हैं, फिर हम आ जाते हैं सबसे मजारी। मगर इस पूरे एरिया में पॉपुलेशन बुजदारों को ज्यादा है? नहीं मेरे ख्याल बुजदारों की बहुत ज्यादा है। मगर बुजदारों का कोई सरदार इतना बड़ा पावर में हमने नहीं, ठीक है वो एमपी वगैरह भी चाहे हो जाते हैं। अच्छा, हाँ। तो मैं आपको फिर सड़क की बात बता रहा हूँ।
उन दिनों में मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने कहा, मेरे ख्याल में दाजल जामपुर से तकरीबन 10 मील था गालबन, और उस वक्त कह रहे थे कि खर्च जो होगा 1,00,000 रुपया फी मील होगा, वो इसलिए कि हिल टॉरेंट्स आते हैं, आप तो पता है कि हिल टॉरेंट्स की वजह से उन्हें सड़क बनाना होता है, ऊंचा बनाना होता है, कॉजवे देना पड़ता है, फलाने फलाने, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया। और मैंने उनको जाकर मैंने कहा आप जैसे ओल्ड रोड है, यहाँ से आप दाजल ले जाएंगे, दाजल से हड़ंद जाएगा, फिर इंटू बलोचिस्तान जाएगा, सारा बलोचिस्तान एरिया जो है, मरी बुक्की भी वहीं है, सारे देवल भी है। उन्होंने कहा ठीक है, हम ये मानने के लिए तैयार हैं, ये बताएं कि दाजल की पॉपुलेशन कितनी है। उन दाजल की पॉपुलेशन गालबन थी 2000 होगी। अच्छा हाँ। और तो मैंने जूस मैंने कह दी 3-4 हज़ार होगी, 5 हज़ार, कह ये भी हम मानते हैं। लेकिन फिर कहने लगे देखिए मिराज साहब, अगर हम आपको 10,00,000 रुपया दें इसके बनाने के लिए, तो फ़ायदा सिर्फ 5,000 आदमी को होगा। अगर यही 10,00,000 रुपया हम सेंट्रल पंजाब में हम कहीं दें, तो कम से कम 20 मील के 25 मील, क्योंकि यहाँ तो और ये कम से कम 20-25 मील, और कम से कम 50,000 आदमी को फायदा होगा। अब आप बताएं, सो इसलिए इस नाम के हमें इग्नोर करते रहे। अच्छा, उसके अलावा जब मैं वहां था, मैं उनको कहता था खुदा के लिए ये जो आप रिस्ट्रिक्शन रखते हैं कि भी बीए होना चाहिए या फलाना हो चाहिए, ये आप टीचर्स वगैरह, ये हमारे इलाके में मिलते नहीं हैं। अब हमारा इलाका डीजी खान का डिस्ट्रिक्ट था, कम से कम 250 मील लंबा था नॉर्थ टू साउथ। अब अगर किसी आदमी को अब नॉर्थ से पोस्ट करते थे रुझान की तरफ इस एरिया में, उसी डिस्ट्रिक्ट कभी नहीं जाता था, हाथ तिब्बत देवुड नॉट गए, वहां जाकर नहीं जाते थे, कौन इसका कम्युनिकेशन होती नहीं थी। अगर बस के ऊपर जाते थे तो सुबह चलती थी डीजी खान से शाम तक पहुंचती, वहां से फिर घोड़ों के ऊपर जाना पड़ता था या ऊंट के ऊपर जाना पड़ता था, पढ़े लिखे नहीं जाते, हार्डली एनीबॉडी यूज्ड टू गो। तो वहां बड़ा झगड़ा करते थे कि भाई खुदा के लिए आप ये मत रखें। जब मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का बना, मैंने झगड़ा करके ना, और जो सी हमारी जितनी भी वहाँ आबादियाँ हैं, अब हालात और हो गए हैं क्योंकि अब भी आ गई है, रेलवे लाइन भी आ गई है, इंडस हाईवे भी आ गई है, पहले स्कैटर्ड होते थे, नॉर्मल वो होते थे, आना जाना पीपल यूज़ टू, बारिश हो जाती थी सब ऊपर चले जाते थे, फिर इसका बारिश नीचे आ जाते थे ऐसे। तो मैंने वहाँ शुरू किया था जो विलेजेस में जहाँ जहाँ आबादी ज़्यादा है वहाँ एक स्कूल दे, एक मास्टर दे दे, उनको पूछते थे भाई किसी को मास्टर को मेहनत कर दिया, और वो कहते कि मास्टर स्कूल के साथ जाए, जब बारिश वगैरह हो जाए ये जब ऊपर जाते थे मास्टर भी साथ चला जाए उनके, और ताकि उनको पढ़ाई भी दे, और अदरवाइज वो मास्टर कहते स्कूल चले गए हम क्या आप करें। तो वो थोड़ा बहुत सक्सेसफुल भी हुआ जब मैं गया, ये इसकी वजह से जो है वो आप समझते हैं कि उस एरिया ने काफी सफर किया, बहुत सफर किया जी, जो डेवलप नहीं, तरक्की नहीं कर सकता, हो सकी उधर इतना, ये सबब तो नहीं है, ये सबब तो नहीं है कि वहाँ के लोग जो है वो फिर अच्छे सुबह मांग रहे हैं इसी वजह से, ये भी एक रीजन। हम देखें जी अर्ज, एक मैं बताऊँ, अब मेरी जो जगह है रुझान वो लाहौर से 400 मील है, आपका ये आपका पिंडी है वो 170 मील है, पेशावर है 270 मील। अब देख पेशावर का आदमी अगर वहाँ पहुँचे उसको कर सके कुछ नहीं। अब यहाँ से एक गरीब आदमी, मैं अपने इलाके के बारे बहुआ से इतने 450-350 मील से कम तो कोई जगह थी नहीं। अब यहाँ से एक गरीब आदमी रुझान से कोई रुझान से मैं कहता हूँ रुझान से एक गरीब आदमी जाए लाहौर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कई प्रॉब्लम होते हैं, कई अब वो गरीब आदमी इसका नाम क्या वहाँ जो जाएगा जनाब यहाँ से किराया करेगा वहाँ पहुँचेगा उसकी कोई वाकफियत नहीं, मुमकिन दाता दरबार जाकर रोटी मुमकिन मिल जाए उसको, किसी वकील को रखेगा, वकील को रखकर कहेंगे जी हफ्ते के बाद आओ 10 दिनों के बाद आओगे व्हाटएवर टाइम इट, वो वापस कोर्ट्स में या आमतौर वापस आएगा, फिर उस को वहाँ पहुँचेगा वो कहेगा कि जनाब हम क्या करें आज तो उसका नाम है जो साहब बहादुर हैं वहाँ छुट्टी पे हैं, छुट्टी पे रहे हैं ये मीटिंग में है
ये टूर पर गए हुए हैं, ये मिनिस्टर ने बुला लिया है, वो बेचारा घर उसका नाम क्या वापस जाएगा, तो जलील होते हैं अखबार। तो और इसीलिए जी, और हमारे डेवलपमेंट भी जी नहीं, किसी डेवलपमेंट मतलब ये है कि जहाँ कोई रिक्वायरमेंट हो आप उसके मुताबिक उसको करेंगे, नीड के मुताबिक करेंगे। जिस तरह से नाम पे ठीक है, हम ये नहीं कहते कि आप इसका नाम, मैंने उनके साथ बात करता था, मैंने कहा आप ये कर रहे हैं तो आप मुझे ये बता दें कि आपके जितना छोटे से छोटा जिला जेरब जो भी है उसमें परसेंटेज के मुताबिक मुझे बता दें, अगर वहाँ के इतने परसेंटेज फर्ज करें इनों में जो भी छोटे से छोटा जिला हो, और जो अब परसेंटेज अगर वहाँ की परसेंटेज के लेटर से एक जिला है उसके जो बच्चे हैं वो 25% ऑफ द बच्चे वहाँ आप उनको अकोमोडेट करें पढ़ा रहे हैं, तो आप हमें 25% न दें, आप हमें 10% दे दें, इस पर भी नहीं आते। तो आप ये चूंकि बात निकल पड़ी है तो इस बात को कंक्लूड करें कि ये इसको साउदर्न पंजाब का सूबा कहें या जो भी फिर नाम दें, सराय की सूबा या वट एवर, तो ये कौन से मुश्तमिल होना चाहिए आपके इस ख्याल में? मैं फर्स्ट पीपल में मैंने हर वक्त किसी ने कोई बात नहीं करता था, फिर मैं उठा उठ कर कहता था कि जब आप इस जमाने से नहीं 80s में भी, 80s में भी मेरे ख्याल में 62 में मैंने कहा फीलिंग आई कांट, बड़ी पुरानी बात है, 80s में मुझे इतना पता है। और उस मैंने उनको कहा खुदा के लिए जाओ आप बाइफरकेट तीन जगह पर, क्योंकि इस काम के हम वहां नहीं आ सकते दीजिए जी बोली नहीं है, और उसके अलावा आप खुद इंसाफ कर हाई कोर्ट पंजाब जो हाई कोर्ट था उसने अपने ट किया चार पांच जगह पर, इतनी बड़ी एक क्या है आपका फोरम है वो भी ये समझती है कि हम नजदीक होना चाहिए, तो मुझे समझ नहीं आती आप क्यों नहीं बाइफरकेट करते, आप तीन जगह पर कर सदन पंजाब पंजाब सदन पंजाब सदन पंजाब से मेरा अपना ख्याल था अब भी आई जैसे डिवीजन भागपुर हो गया, डिवीजन मुल्तान हो गया, डिवीजन खान तीन डिवीजन, कोई कहे उनकी दिस इज व्हाट, कोई कह फलाना फलाना भाई कितनी बख्ती है, बंगाल हमारे साथ तो वो पैरिटी थी क्योंकि वो 50% थे हम 45% थे, मगर पॉलिसीज जो थी वो पैरिटी की बुनियाद पे थी, जब 70 में वो अलग हो गए बकिया पाकिस्तान वो हो गई पॉपुलेशन हो गया, अब ये के पंजाब के उस ग्रोह के वेस्टर्ड इंटरेस्ट पंजाब को एक रखना चाहते हैं, उस तौर पे साउदर्न पंजाब सेंट्रल पंजाब अलग होना चाहिए, जो होना चाहिए जी इतने आपने जैसे कहा 400 किलोमीटर से मील नॉट इवन 650 किलोमीटर से बंदा है, अब देखे ना अब तो खैर आप कह रहे ट्रेन लेकिन उस वक्त जनाब हम जाते थे जनाब हम राजनपुर तक 40 मील वहां से जाकर हम कोई बस लेते थे कुछ लेते थे। अच्छा मीर साहब इसमें ये बताएं कि ये जो आप कैपिटल चाहेंगे अगर एकदम बंद हो जाए जी, अगर नहीं खुदा कर जाए कैपिटल कहाँ होना चाहिए इसका? मेरी मैं कहूंगा कैपिटल होना चाहिए मुल्तान में, मुल्तान में कैपिटल आप कर लें, जैसे एक जमाने में आप कैपिटल तो इस्लामाबाद है लेकिन जो लेजिस्लेचर का असेंबली का हेडक्वार्टर चाहिए ढाका था वो रख सकते हैं, भावलपुर मुल्तान तो मील है 60 माइल सेंट्रल भी है। ये बताएं कि आफ्टर ऑल सूबे की इतनी जरूरत है और लोगों में रुक भी है के लिए। बिल्कुल हम इसलिए के अपने हकूक पानी के हकूक हैं, एम्प्लॉयमेंट के हैं, इंडस्ट्री के हैं, हर डेवलपमेंट डेवलपमेंट के हैं, देख मुझे पता नहीं
लेकिन जहाँ तक पता लगा कि अब जैसे एसपी है उसमें मेरे ख्याल में हमारे ये सदन पंजाब के ज्यादा दो जन होंगे। आप देखें जो रिवेन्यू सर्विस में भी मेरे ख्याल में हमारा जितना हिस्सा है उसमें भी हमें 1/3 से मिला। आप देख लें पानी का हमें बिल्कुल कोई हिस्सा नहीं मिलता। पानी कोई कम होता है तो कहते हैं काला बाग डैम बनेगा फिर आप नहीं देंगे। आप देखें तो बनाया जो सब सब हिस्सा है डेरा गाजी खान का पानी बाकी नहीं था। जिन्हें पहले कहा कि भी दिखा को देंगे फिर जाम को देंगे राज्य फिर हम क्योंकि हम सबसे तेल में हैं सर में तो सब आज मेरे ख्याल में हमारे इलाके से कम अज कम 100-150 मील है कश्मीर तक आ जाता है तभी ज्यादा हो जाए। जब अब जब हमारी बारी हम जब कहने लगे कि हमें 10-15 साल हमें कहने पानी नहीं अब आप तो राज से बने काला डैम बनेगा तब आपको पानी मिलेगा। मैंने हमने कहा हमारा वास्ता नहीं हमारा पानी इसमें रिवर में उसमें से आप हमें दे रहे काला बाग का कोई वास्ता नहीं कोई बात नहीं मानता था। तो इसका ना इन्होंने चश्मा बिराज ना पहले चुप कर अब 2-3 साल हुए ग्रेटर थल बन गया ग्रेट थर कैंसल ले लिया और मैंने अखबारों में दिया। मैंने कहा भाई ये मुझे हम कहते हैं कि हमें आप पानी दें हिस्सा है हमें कहते हैं कि कब आजाद करवाएं जो गए ये पानी कहां से ये इसलिए बन रहा है कि वहां इसका नाम को अपनी वाले उसका नाम मिल उनको पानी मिल रहा है। तो मैंने कहा कि अगर ये बात मित्रों तो भी आप जनरल को और आर्मी ऑफिसर को और ये जो आपके ब्यूरोक्रेसी है को अब जमीन नहीं तो गरीबों को थोड़ा बहुत पानी मिलता बिल्कुल इसलिए अब ये हमारे जी आपके उसका नाम कहते कुछ नहीं कोई आता ही नहीं वहां से चलते हैं डीजी खान से आगे कोई आएगा नहीं क्योंकि खान अब एयर कंडीशन वगैरह को पता लग क्या होता है। मुझे अच्छी तरह याद है गवर्नर जी में बात कर रहा था उसको अपने एरिया सर आप शुरू करेंगे अपने पंजाब की बॉर्डर कहते वापडा का ना हो लैंड वहां नहीं भी आते तो यू कैन लैंड एट सुई ठीक है ठीक एयरपोर्ट है मजारी अबाउट 20 माइल्स होगा। उसने कहा तो बेचारा वहां आया वहां उसने देखा मैंने देखे जी ये हार्डली जो सुई से जाती है सड़क कश्मीर तक वो कभी सिंध के कभी पंजाब जहां जहां के सिंध का इलाका है वो देखें सब नहर वो जाके से देखे वो बड़ा और बेचारे ने डेवलपमेंट के लिए और बड़ी मुखालफत अफसरों ने कि नहीं जी तो आई हैव टू गो ओवर तो वहां उसने देखा एंड बड़ा सो दिस इज व्हाट इट इज पीपल डोंट 400 ऊपर कौन जाएगा में जबकि एयर कंडीशन वगैरह मोटर एयर कंडीशन वगैरह नहीं होती। बदती ये है कि यहाँ जो हुक्मरान आया पाकिस्तान पर उसने अवाम का नहीं सोचा। अगर अवाम का सोचता आज अवाम इतनी पसमानगी में नहीं होता पसमानगी में नहीं होता। मेरे साथ ये तो बात हुई बैदी विहम के साउदर्न पंजाब और आपके इश्यूज में अब पाकिस्तान बना तो आप 17-18 साल के नौजवान उस वक्त मैंने सुना है बल्कि ये हिस्ट्री
है, फैक्ट है, बहावलपुर रियासत थी और बहावलपुर रियासत थी और ये हालात भी रियासत थी, अलग अलग थे। तो इनको किस तरह, बहावलपुर को किस तरह बनने, ये जब पाकिस्तान बना है बहावलपुर स्पष्ट दिया गया कि भी इंडिया में आना चाहिए या पाकिस्तान में आना चाहिए, तो उन्हें का पाकिस्तान में, और ये वन यूनिट तक रहा। वन यूनिट में जब इसको बनाया, वन यूनिट में इनके साथ भी किए गए थे जो गम वादे करती है, उसके बाद वो फसल तोड़ भी देती, तोड़ने के लिए बाकी बच्चे कल कलात का डिफरेंशन था, टोटली डिफरेंट था। कलात डायरेक्टली इंडिया के साथ उसका ट्रीटी हुई थी। कलात जहां तक मुझे जो मुमकिन है, मैं गलत कह रहा हूँ, वो इसी तरह थी जिस तरह के नेपाल ये का पाकिस्तान जब बन रहा था, ऐसा ने पैगाम दिया कि खान साहब की तरह उसको कहा कि देखें पोजीशन इज टोटली डिफरेंट, आप अगर आजाद चाहें आप आजाद, अगर पाकिस्तान में जाना चाहें पाकिस्तान से जा सकते हैं, आप इंडिया में जाना चाहें इंडिया के साथ, आप न आपको इनको इंडिया और पाकिस्तान का करना है। उस भी आपको याद होगा कि कलात इंडिपेंडेंट चाहते थे, जो हमने सुना है कि कायद अजम साहब भी गए, उनके साथ ताल्लुक थे, मेरे ख्याल में उनके मुशीर भी रह चुके थे, तो उन्होंने कलात